अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, आज हम यूनिट 3 की रिव्यू एक्सरसाइज को सॉल्व करेंगे और इसमें हम क्वेश्चन नंबर 3, 4, 5 और 6 को सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 3 है, फाइंड द वैल्यू ऑफ x ऑफ द फॉलोइंग। यहाँ हमें 4 पार्ट्स दिए गए हैं और इनमें जो x की वैल्यूज हैं उनको हमने फाइंड आउट करना है। चले इनको हम सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट पार्ट है log 3x equal 5। फर्स्ट स्टेप में हम लॉग को इस यहां से खत्म करेंगे। लॉग को खत्म करेंगे तो इनकी x की और 5 की पोजीशन को हम चेंज कर देंगे और ये 3 की पावर x 5 इक्वल आ जाएगा x के। x को हम 5 की जगह पे ले जाएंगे और 5 को x की जगह पे ले आएंगे और 3 को अपने आप से 5 टाइम से मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास आता है 243। तो इस तरीके से x का आंसर 243 आ गया। सेकेंड पार्ट में अगेन लॉग को खत्म किया तो x और 256 की पोजीशन चेंज हो गई, 4 के ऊपर पार x चली गई और इक्वल आ गया 256। इसको सॉल्व करने के लिए हम देखेंगे कि इसकी बेस यानी असास जो है वो 4 है, तो यहां भी हम कोशिश करेंगे कि इसकी बेस भी 4 ही बन जाए। तो 4 की पावर x और 256, 4 को हम अपने आप से कितने टाइम्स मल्टीप्लाई करें तो 256 आता है। तो 4 को हम अगर 4 टाइम्स ही मल्टीप्लाई करें यानी 4 4 16, 16 4 64 और 64 को अगेन आप 4 से मल्टीप्लाई करें तो 256 आता है। तो 4 की पावर 4 हम इसको लिख सकते हैं। अब अगर इसकी बेस सेम हो, बेस इक्वल हो, तो हम कह सकते हैं कि इनकी पावर्स भी इक्वल होंगी। इस बुनियाद पर एक्स का आंसर जो है वो 4 के इक्वल आ जाएगा। नेक्स्ट स्टेप में हम लॉग को खत्म करते हैं, 625 के पास पार चली जाएगी 1/4x और 1/4x की जगह पे आ जाएगा 5। अब यहां पे हमारे पास जो बेस है वो 5 है तो हम कोशिश करेंगे कि 625 की बेस भी 5 बन जाए। तो 625 5 को अपने आप से 4 टाइम्स मल्टीप्लाई किया जाए तो 625 बनता है और इसकी पावर 1/4x भी है। ये 4 4 के साथ कैंसिल हो जाएगा और इस साइड पे हमारे पास 5 है। अब यहां पे हमारे पास क्या बचा, ये 4 4 से कैंसिल हो गया था, जस्ट यहाँ पे x बचा और इस साइड पर 5 है। अब दोनों तरफ जो बेस थी वो सेम हो गई, 5 5। यहाँ पे पार x है और इसके ऊपर पार कोई नहीं है, जिसका मतलब है कि इसके ऊपर पार 1 है। तो बेस सेम हो, बेस इक्वल हो, तो हम कह सकते हैं कि इनकी पार्स भी इक्वल होंगी। इस बुनियाद पर इसका आंसर जो है वो x इक्वल 1 आ गया। नेक्स्ट स्टेप सॉल्व करते हैं, 64 की पावर x इक्वल -2/3। फोर्थ पार्ट को सॉल्व करते हैं, 64 की पावर -2/3 इक्वल x, इनकी हमने पोजीशन चेंज कर दी x और -2/3 की। अब हम देखते हैं कि 64 कौन सी ऐसी रकम है जिसको हम अपने आप से 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करें तो 64 बन जाए, क्योंकि हम उसकी पावर को इस 3 के साथ कैंसिल करना चाहते हैं। तो वो वैल्यू है 4। 4 को अपने आप से 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करें तो 64 बनता है। 4 4 16 और 16 3 अगेन, और 16 को 4 से मल्टीप्लाई करें तो 64 आ जाता है। तो हम लिख सकते हैं 4 की पावर 3 और इसकी पावर है -2/3। इस तरीके से 3 3 से कैंसिल हो जाएगा, 4 की पावर -2 इक्वल एक्स आ गया। नेक्स्ट इसको सॉल्व करने के लिए हमें 4 की पावर को पॉजिटिव करना होगा, उसके लिए हम इसकी पोजीशन को चेंज कर देंगे। इसको हम नीचे ले जाते हैं तो 4 की पावर जो -2 है वो 4 की पावर 2 बन जाएगी और उसके बाद हम इसकी पावर यानी 4 को अपने आप से 2 टाइम्स मल्टीप्लाई कर लेते हैं, 16 आ जाएगा। एक्स का आंसर 1/16। रिव्यू एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 4 है, यहाँ पे हमें x की वैल्यूज को फाइंड आउट करना है। तो फर्स्ट स्टेप ये होगा कि हम बोथ साइड पे एंटी लॉग ले लेंगे जिससे लॉग और एंटी लॉग कैंसिल हो जाएगा और बाकी हमारे पास बचता है x इज इक्वल टू एंटी लॉग 2.4543। अब
क्योंकि ये हमें लॉग दिया गया है, इसका मतलब है हमें इसकी करैक्टरिस्टिक भी मालूम है और इसका मिंटिसा भी मालूम है। तो डेसिमल से पहले जो है वो करैक्टरिस्टिक होती है यानी खासा 2, और इसका मिंटिसा होगा 0.4543। और अब नंबर ढूंढने के लिए यानी x की वैल्यू ढूंढने के लिए हम 0.45 की वैल्यू देखेंगे फोर्थ कॉलम में और इसका डिफरेंस देखेंगे थर्ड कॉलम में, और हम एंटी लॉगरिथम का टेबल इसमें यूज करेंगे। 0.45 की वैल्यू देखेंगे फोर्थ कॉलम में, 0, 1, 2, 3, 4, 2, 8, 4, 4, और इसका डिफरेंस देखेंगे थर्ड कॉलम में, इसका डिफरेंस है 2। नंबर और उसके डिफरेंस को ऐड करेंगे तो ये 2, 8, 4, 6 नंबर फाइंड आउट हो गया। अब इसकी करैक्टरिस्टिक की हेल्प से यहाँ पे डेसिमल लगाएंगे, तो करैक्टरिस्टिक इसका पॉजिटिव 2 है, आप इसके अंदर 1 को ऐड कर लें और 3 आ गया। ये 3 डिजिट्स बताते हैं कि ये 3 डिजिट्स के बाद हमने डेसिमल लगाना है, तो 1, 2, 3 3 डिजिट्स के बाद यहाँ पे डेसिमल आ जाएगा। सेकेंड पार्ट में भी हम वही स्टेप करेंगे, इसका लॉग खत्म करेंगे, एंटी लॉग ले लिया बोथ साइड पे। डेसिमल से पहले करैक्टरिस्टिक है यानी इसकी करैक्टरिस्टिक 0 है और इसका मिंटिसा 0.1821 है। 0.18 की वैल्यू देखेंगे सेकेंड कॉलम में और इसका डिफरेंस देखेंगे फर्स्ट कॉलम में। 1521 नंबर फाइंड आउट हो गया है, अब इसका डेसिमल लगाना है तो इसके करैक्टरिस्टिक में 1 को ऐड करेंगे और इसका आंसर है 1, जो कि ये शो करवाता है कि आपने एक डिजिट के बाद इसका डेसिमल लगाना है, तो 1.521 इसका आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, एंटी लॉग ले लिया बोथ साइड पे, करैक्टरिस्टिक 0 और मेंटिसा इसका 0.0044 है, तो 0.00 की वैल्यू देखेंगे फोर्थ कॉलम में और इसका डिफरेंस देखेंगे फोर्थ कॉलम में। 0.00 की वैल्यू देखेंगे फोर्थ कॉलम में, फोर्थ कॉलम में 1009 इसकी वैल्यू है और इसका डिफरेंस देखेंगे फोर्थ कॉलम में, फोर्थ कॉलम में इसका डिफरेंस 1 है। दोनों को ऐड करेंगे 1010 और इसकी करैक्टरिस्टिक भी 0 है, तो ये 0 में 1 ऐड किया, 1 आ गया, जो कि ये शो करवाता है कि आपने एक डिजिट के बाद डेसिमल लगाना है, तो 1.010 इसका आंसर आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, यहाँ पे हम बोथ साइड पे एंटी लॉग लेंगे, करैक्टरिस्टिक यहाँ पे -1 है और मेंटिसा यहाँ पर 0.6238 है। 0.62 की वैल्यू देखेंगे थर्ड कॉलम में और इसका डिफरेंस देखेंगे एट्थ कॉलम में। 0.62 की वैल्यू देखेंगे थर्ड कॉलम में, थर्ड कॉलम में इसकी वैल्यू है 4198 और इसका डिफरेंस देखेंगे एट्थ कॉलम में, एट्थ कॉलम में इसका डिफरेंस 8 है। नंबर को और उसके डिफरेंस को ऐड करते हैं और ऐड करने के बाद यह आ जाएगा 4206। अब इसकी करैक्टरिस्टिक को देखते हुए यहाँ पे हम डेसिमल लगाएंगे। अगर किसी की करैक्टरिस्टिक -1 होती है तो उसका मतलब ये होता है कि डेसिमल के बाद कोई भी आप 0 नहीं लगाएंगे। और अगर आप इसको दूसरे तरीके से देखें तो जो डेसिमल की असल पोजिशन होती है वो फर्स्ट नॉन जीरो डिजिट होता है, यानी यहाँ पे 4 के बाद डेसिमल की असल पोजीशन है। तो हमें क्योंकि इसको -1 एक लेफ्ट हैंड साइड पर एक डिजिट छोड़ना पड़ेगा, तो फिर हम यहाँ से इसका डेसिमल यहाँ ट्रांसफर कर देंगे। इस तरीके से इसकी करैक्टरिस्टिक -1 हो जाएगी, तो इस तरीके से इसका आंसर आ जाएगा 0.4206।